दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हुआ है डीप नेक करने के टाइम पे शोल्डर और आर्म होल्ड किस तरह हमें चेंज करना पड़ेगा, उसका क्या हिसाब हो जाता है करके। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैटर्न बना देता हूँ। पैटर्न बनाने के लिए एक मेजरमेंट हमने रखा हुआ है, वो मेजरमेंट के हिसाब से इसका पैटर्न बनाता हूँ। सबसे पहले हम इसमें मिडिल वाला लाइन बनाता हूँ, बैक नेक बैक पैनल का ही पैटर्न बना रहा हूँ, क्योंकि बैक नेक का ही डीप किस तरह करते हैं करके हम इसमें आप लोगों को बताता हूँ। इसके लिए इसका मेजरमेंट यही है, इसका मेजरमेंट ये देखिए, मेजरमेंट आपको आपके सामने दिख रहा है, इसी हिसाब से हम इसमें पैटर्न बनाता हूँ। सबसे पहले शोल्डर के लिए हमने 7.5 इंच का मार्किंग कर लेता हूँ, उसके बाद में उसको लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। वही सेम मार्किंग हम इधर भी कर लेता है। उसके बाद में इधर भी हम 7.5 इंच का ही मार्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमें 8.5 इंच का आर्म होल मिलना चाहिए, उसी हिसाब से हमने 7.5 इंच में इधर मार्किंग कर लेता हूँ। उसको भी एक लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। और यही 7.5 इंच का मार्किंग हम इधर भी कर लेता है। इसके बाद में हम इसको सीधा लाइन में बनाते हैं, क्योंकि यही हमारा चेस्ट लाइन है। इधर हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है 40 इंच, तभी हम इस इधर 10 इंच का मार्किंग इधर कर लेता हूँ हमें। इसके बाद में इधर देखिए 1/2 इंच का हम शोल्डर स्लॉप के लिए मार्किंग कर रहे हो, और नेक हम 3 इंच का विड्थ बनाता हूँ। इसके बाद में ये दोनों को इसी तरह ज्वाइन कर लेता है। इधर हम 1/2 इंच का मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमें सीम अलाउंस है, ये हम इधर सिर्फ शोल्डर के इसी साइड में हम सीम अलाउंस मार्किंग किया हुआ है, बाकी जगह हमने नहीं मार्किंग किया। ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए, वो करके मैं इधर मार्किंग पहले कर दिया। ठीक है, ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया और ये शोल्डर लाइन हो गया। अभी हमें इसमें नेक डेप्थ मार्किंग कर लेना है। इसका पहले जो नॉर्मल हमें नेक डेप्थ बनाता है, 1.5 इंच का नेक डेप्थ बनाता हूँ नॉर्मल, वही हम इधर मार्किंग कर लेता हूँ। जो हमने अभी जो भी मार्किंग किया वो उस हिसाब से मार्किंग किया है, क्योंकि ये जो शोल्डर का विड्थ है, पूरा शोल्डर विड्थ है, जब हम 1.5 इंच का मार्किंग करता है तो हमें शोल्डर पूरा इंच पूरा कितना होता है लेंथ, वो पूरा लेना पड़ेगा, उसमें कोई कम नहीं करता है। 1.5 इंच के बाद में हमने जो बढ़ाता है, तभी उस हिसाब से हम शोल्डर छोटा कर देते हैं, और आर्म होल भी हम छोटा आर्म होल हम छोटा नहीं करते हैं, हम आर्म होल का साइज़ वही रहेगा, लेकिन हमें चेस्ट लाइन ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। ये देखिए हमने 1.5 इंच का मार्किंग इधर किया हुआ है, उसके बाद में 1-1 इंच का मार्किंग नीचे मैं कर रहा हूँ, 1-1 इंच का मार्किंग। ठीक है, इसी तरह 1-1 इंच का मार्किंग इधर कर लेता हूँ मैं। इधर किस किस तरह हम डीप करते हैं, उस हिसाब से दोनों साइड में किस तरह हमें एडजस्ट करना पड़ेगा करके इसमें बताता हूँ मैं आपको। बैक नेक डीप बना रहा हूँ, उसका ही ट्यूटोरियल है, वही मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। आप लोग ये मत समझिए ये फ्रंट वाला नेक है, फ्रंट वाला नहीं है, बैक वाला नेक है। अभी देखिए उधर हम 1 इंच का मार्किंग नीचे किया, तो उस हिसाब से हमें इधर
क्वार्टर इंच हमें इधर मार्किंग करना पड़ेगा, क्वार्टर इंच का चौड़ाई हमें शोल्डर में कम करना पड़ेगा। ठीक है, इधर हमने शोल्डर हमने क्वार्टर इंच चौड़ाई कम किया तो हमारा आर्म होल का साइज बढ़ जाएगा। तो हमारा आर्म होल का साइज नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा चेस्ट लाइन को ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। ये मैं जो भी बनाता है अलग अलग कलर में बनाता हूँ क्योंकि आपको जल्दी पता चले। ये देखिए हमने ये जो लाइन बनाया अभी दोनों में एक ही तरफ हो गया, लेकिन हमारा आर्म होल अभी बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए आर्म होल को सेम साइज में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चेस्ट लाइन में इधर भी हमें क्वार्टर इंच का मार्किंग करके इसको ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। ये अगर आपने नहीं बढ़ा ऊपर की तरफ नहीं खींचा तो आपको आपका आर्म होल बढ़ जाएगा, साइज में नहीं बैठेगा। ये अभी ये जो भी करता है ये देखिए पूरा नीचे तक कितना एक एक इंच का जो भी फर्क करता है उसको उसी हिसाब से हमें इधर दोनों साइड में क्वार्टर क्वार्टर इंच के हिसाब से फर्क करना पड़ेगा। आप लोग को ये बराबर नहीं किया होता तो आप मुझे बहुत सारे लोग मैसेज आता है, कमेंट करता है क्योंकि शोल्डर गिरता है। शोल्डर गिरना इसकी वजह से होता है क्योंकि शोल्डर हमें बराबर साइज के हिसाब से नहीं लिया तो हमारा शोल्डर गिर जाएगा, क्योंकि नेक डीप करने के टाइम पे हमें शोल्डर छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो शोल्डर जरूर गिर जाएगा। उसके लिए यही मेजरमेंट आपको रखना पड़ेगा। मेजरमेंट ले निकालने का तरीका यही है। ये आपको आपको कितना लंबा डीप करना पड़ेगा नीचे तक गला, उसी हिसाब से आपको साइड में से आप क्वार्टर क्वार्टर इंच का कम करते जाओ। आपको कितना डीप आपका नेक चाहिए तो उसी हिसाब से करेगा तो आपका नेक बराबर फिटिंग में बढ़ जाएगा। अभी आर्म होल इधर मैं बना के दिखाता हूँ। आर्म होल आप पूरा नीचे से ऊपर तक जो आर्म होल बनाते जाएगा तो आपको ये लगेगा आपका आर्म होल चौड़ा हो गया करके, लेकिन आपका आर्म होल चौड़ा होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा आपको। आपका आर्म होल में साइज परफेक्ट रहेगा। आर्म होल इसी तरह आप बनाने के बाद में उसको आर्म होल को आप जरूर मेजरमेंट करके देखना, नाप के देखना। अगर आपको उसमें आर्म होल में थोड़ा बहुत फर्क आ रहे तो आपको इधर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके वो क्लियर कर सकता है। कभी भी कटिंग करने से पहले आर्म होल जरूर नाप के देखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये जो भी हम थियोरी बनाता है इसी तरह ये सब रेगुलर मेजरमेंट के हिसाब से बनाता है। जो आपका मेजरमेंट में मुझे पता नहीं है, आप लोग को ये थियोरी रख के इसी तरह आपका मेजरमेंट क्लियर करना है। इसमें यही हमारा 1 इंच एक एक इंच डेप्थ बढ़ाते हैं तो हमें दो साइड में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा वो ठीक करने के लिए, नहीं तो आपका मेजरमेंट पूरा खराब हो जाएगा। आप लोग ये मत समझिए आपको गैला डीप करने के टाइम पे सिर्फ आपको शोल्डर छोटा करने से काम पूरा हो जाएगा, नहीं होएगा। शोल्डर भी छोटा करना पड़ेगा और आर्म होल भी ऊपर की तरफ लेके आना पड़ेगा आपको। चेस्ट लाइन ऊपर की तरफ लेके आएगा तो ये आपका आर्म होल ऊपर की तरफ आएगा। इसी तरह आप लोग करके जाइए, आप लोग का आर्म होल और शोल्डर नेक ये सब आपको परफेक्ट फिटिंग में आ जाएगा। आप लोग ये भी बात जरूर ध्यान में रख लीजिए,
आप लोग कभी भी ये वाला काम करने के लिए टूल्स जरूर ले लीजिए, अच्छे अच्छे टूल्स लेके रखो, तो ये आपको अच्छे फिनिशिंग में काम कर सकता है। अगर आपके पास टूल्स अच्छा नहीं है तो आपका काम भी अच्छा नहीं हो सकता है। टूल्स अच्छा रखने से फ़ायदा ये है, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका फिनिशिंग भी बढ़ जाएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक करके, कमेंट करके शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, मैं किस किस तरह इसका हिसाब किताब इसमें बना के दिखा रहा करके। आप लोगों को अगर कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर मेरा मुझे कमेंट कर दीजिए आप लोग, और मेरा FB पेज में आके भी कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन आप लोगों को मैं कभी भी एक बात ये बोलता हूँ, आप लोग वीडियो एक बार देखने से आपको नहीं पता चला तो ज़रूर आप लोग दो बार देख लीजिए, आप लोग को बहुत आराम से समझ आएगा। अभी आप लोग इसी तरह आप लोग नेक बना के देख लीजिए, आप लोग का सारे प्रॉब्लम, शोल्डर का प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएगा। एक और बार थैंक यू फॉर वॉचिंग।